टीवी 9 भारतवर्ष ने अपना किया हुआ वादा निभाया है। प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका पहुंचे और तब अब जबकि वो वहां से भारत के लिए रवाना हो रहे हैं, एक एक अहम अपडेट, एक एक अहम मुलाकात, उसके मायने, उसका असर क्या होगा, पूरा आप तक पहुंचाया है। और एक्सपर्ट्स के जरिए आपको ये भी बताने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों में ये जो यहां आपको 2-3 दिनों में होता हुआ दिखाई दिया है, आने वाले दिनों में अनफोल्ड कैसे होने वाला है, देश समेत पूरी दुनिया में इसका असर क्या होने वाला है, एशियन सब कॉन्टिनेंट में इसका असर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है वहां जहां आतंक की जड़ें हैं, क्या होने वाला है वहां जहां अभी अभी कट्टरवाद ने हुकूमत संभाली है। लेकिन देखिए ये हॉटलाइन एक बार फिर से आवाज लगा रहे हैं, इस बार क्या अपडेट है जरा इधर चलते हैं। पीएम मोदी कैनेडी एयरपोर्ट के लिए रवाना और वहां से वो हिंदुस्तान के लिए प्रस्थान करेंगे। ये अहम खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सामने। क्या कमाया हमने वहां इन 3-4 दिनों में, क्या क्या हुआ और उसको किस तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए, हमारी उपलब्धियां क्या रहीं, किन जगहों पर हमने ये देखा कि साथ खड़े हुए तो हैं लेकिन साथ चलेंगे भी क्या, ये सवाल बड़ा होता गया है। यहां देखें आप, पीएम मोदी न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना हो रहे हैं, पीएम मोदी कैनेडी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और वहां से अब कुछ ही देर में उनका विमान टेक ऑफ करेगा हिंदुस्तान के लिए। पीएम मोदी कैनेडी एयरपोर्ट के लिए निकले, न्यूयॉर्क से भारत के लिए हो रहे हैं रवाना। न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों से भी उनकी मुलाकात हुई है, इससे पहले आप देख रहे हैं जब वो पहुंचे थे तब और अब जबकि अमेरिका की धरती को वो छोड़ने वाले हैं तब भी वहाँ जो भारतीय हैं पूरी गर्मजोशी से उन्होंने स्वागत किया और वैसे ही उनको विदा भी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं वहाँ जुड़े हुए लोगों का जोश, उनका श्रद्धा भाव प्रधानमंत्री की तरफ और अब उनको वहाँ से विदा किया जा रहा है। वी शुड स्टे हियर, वी शुड वर्क फॉर देम एंड दे वी शुड ब्रिंग यू नो न्यू रिसोर्सेज इन दिस कंट्री सो दैट दिस कंट्री कैन ग्रो मोर। आप स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ क्या करेंगे? जी मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर कॉलेज जाता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यों से हम लोगों का जो सिर ऊपर उठा है और हम अमेरिका जैसे न्यूयॉर्क जैसी सिटी के अंदर जो है इतना खुल के जी पाते हैं और इतनी सम्मान मिलता है, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बस इन सब के बीच में पहले कुछ जो युवक हैं उनसे बात करें तो आप लोग जब जाते हैं स्कूल में कॉलेज में दोस्तों को बताते हैं कि आप इंडियंस हैं और हमारे और बीच में और बाकी पाकिस्तानी अफगानिस्तानी में कितना फ़र्क है? जो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम इंडियंस हैं क्योंकि मोदी जी हमारे लीडर है, वो इतने हम्बल हैं, अभी भी उन लोग ने उन्होंने सबको चांस दिया और एकदम स्लोली गए और सबको एक मौका दिया कि उनके साथ वो सेल्फी खींच सके। और मैं गर्व से, मैं एनवायु स्टोन में पढ़ता हूँ, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ और मेरे प्रधानमंत्री देश पूरे दुनिया के विश्व गुरु है। क्योंकि आप लोग प्रधानमंत्री से मिले थे तो प्रधानमंत्री ने किसी को कुछ पूछा होगा, अगर वो आप शेयर करना चाहें। मैं उनके हाथ मिला रहा था और मेरे सामने वो काफ़ी देर खड़े हुए थे तो मैंने एक बार हाथ मिला के मैं झुक गया ताकि दूसरों को मिले, तो उन्होंने मुझे गाल पे हाथ लगा के बोला कि बेटा अच्छे काम किए हो। जब हम स्ट्रीट पे भी घूमते हैं यहाँ के लोग बोलते हैं कि तुम लोग इंक्लूसिव हो, यू आर गुड पीपल, यू आर नाइस पीपल, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट हो प्रोफेशनल्स हो सबको इंक्लूसिव लेके चलते हैं। लगता है ना आज प्रधानमंत्री का जो भाषण था संयुक्त राष्ट्र में वो भी तो यही इंक्लूसिव वाला था, डेवलपमेंट वाला था, पॉजिटिविटी वाला था। मोदी तो मोदी है तो वो तो पॉजिटिव रहेगा और हमको भी पॉजिटिविटी बहुत देगा, तो हम भारतवासियों की गर्मजोशी भी थोड़ी देखने को मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, मिलेगी जरूर मिलेगी और हम बहुत प्राउड है उसके लिए। तो मोदी जी से मिलके यहाँ हम लोगों को पहली बार बहुत अच्छा बिलोंगिंग की फीलिंग हुई, मतलब आई एम लिविंग हियर फॉर लाइक 22 ईयर्स बट दिस इज़ द टाइम वी ऑल आर लाइक फीलिंग लाइक वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, वी आर प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। And I live in Boston, but we drove in the morning just so that I can see the Modi, and that type of enthusiasm we all have. People are coming from far places. तो Boston से कोई कोई Chicago से कहीं कोई किसी दूसरे जगह से, और जाहिर है कि आप देखिए भारतवासियों का प्रेम प्रधानमंत्री के प्रति, प्रधानमंत्रियों का प्रेम, प्रधानमंत्री का प्रेम भारतवासियों के प्रति, और इन सब से बढ़कर दुनिया देख रही है, ये है भारत का जलवा और भारत का जलवा अमेरिका में फहराने में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। कैमरान वीरेंद्र मौर्य के साथ मनीष झा, टीवी 9 भारतवर्ष, न्यूयॉर्क, अमेरिका। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।